जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया कि अगर मान लीजिए हमें अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करना हो तो कैसे। देखिए इंस्टाग्राम डिलीट करने के लिए कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे आप स्टडी करते हो उसमें आपका इंस्टाग्राम प्रॉब्लम कर रहा है, या तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और उसमें क्या करना चाहते हो आप, अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे। यानी अगर आपको अपने अकाउंट को यानी जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। वैसे आपका रीज़न कई सारे कोई भी हो सकता है, तो आइए आज हम आपको अपने इंस्टाग्राम को कैसे डिलीट किया जाता है वो हम जानेंगे। तो देखिए आपका इंस्टाग्राम को डिलीट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि टैक्स से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित हम आपके सामने कई सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। अब आइए अगर आपने इंस्टाग्राम को कैसे डिलीट करते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपना जो इंस्टाग्राम है यानी इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ से क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब आप राइट साइड में नीचे देखेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो बस क्या करो, आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब आप टॉप पर देखेंगे राइट साइड में ही तो तीन लाइन आपको दिखेगा। तो बस क्या करो, आप तीन लाइन पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको उसमें नहीं, आपको यहाँ पर मिलेगा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन। क्या करना है, आपको अकाउंट सेंटर में यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा और ड्रा करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पर्सनल डिटेल। क्या मिलेगा आपका, पर्सनल डिटेल। बस क्या करना है, आपको पर्सनल डिटेल पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो बस क्या करना है, आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर क्लिक कर देना है। सॉरी, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर दो ऑप्शन, जिसमें आपको जो मेमोरी लिसन है वो है आपका और डीएक्टिवेशन ऑफ डिलीटिंग है। तो बस क्या करना, आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर आईडी आपको दिखेगा। कुछ आपको फेसबुक से लॉगिन मिलेगा और कुछ आपका इंस्टाग्राम का जो आईडी होगा वो दिखेगा। तो आपको जिस भी आईडी को यहाँ से डिलीट करना है वो आईडी आपको ले लेना है। जैसे हम यहाँ पर स्वीटी क्यूटी के नाम से आपका है, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो बस क्या करो, आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके दो ऑप्शन मिलेगा। पहला तो मिलेगा आपका डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा मिलेगा आपका डिलीट अकाउंट। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कुछ समय के लिए आपका क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कुछ दिन के लिए आपका क्या हो गया, इंस्टाग्राम काम नहीं करेगा, यानी कहीं पर भी शो नहीं होगा। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए होगा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आपको मिलेगा डिलीट अकाउंट। तो बस क्या करना, आपको डिलीट अकाउंट पर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, बस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो अकाउंट है, आप इंस्टाग्राम का अकाउंट क्यों डिलीट कर रहे हो उसका रीज़न आपको यहाँ पर देना होगा। यानी कोई भी आपको यहाँ से क्या करना है, कोई रीज़न आप यहाँ से दे देना है। तो हम कोई भी यहाँ पर रीज़न जो है वो ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं क्रिएट ए सेकेंड अकाउंट। तो बस क्या करें, हम यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, बस कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, ऐसे कंटिन्यू कर लेना है। और कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपका पासवर्ड मांग रहा है। यानी आप जिस अकाउंट को डिलीट करने जा रहे हो अब आपको क्या करना होगा, उस अकाउंट का जो पासवर्ड होगा वो आपको देना होगा, क्योंकि आपके अकाउंट को यानी इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है कोई भी डिलीट करता है कि नहीं, यानी कोई भी डिलीट कर सकता है। लेकिन जिसको अब यहाँ पर पासवर्ड पता रहेगा वही आपका अकाउंट आपका डिलीट कर पाएगा ना। तो जब आपको पासवर्ड पता रहेगा तो आप ही डिलीट कर पाएंगे, अन्यथा कोई और नहीं कर पाएगा। तो बस जो पासवर्ड आपका इस अकाउंट का है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर दे देना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो पासवर्ड है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैंने दे दिया है। देने के बाद बस क्या करना, आपको यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, बस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको आप कंफर्म करने के लिए आएगा। तो बस क्या करना है, आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है ना कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। तो आपको यहाँ उसको परमानेंट यानी डिलीट करना है तो आप उसको कंफर्म कर लीजिए। तो डिलीट अकाउंट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप डिलीट अकाउंट पर आप क्लिक करते हो आपका यह जो अकाउंट होता है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब हमारा जो सीयूटी क्यूटी के नाम से अकाउंट था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब हमारा जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर सीयूटी क्यूटी के नाम से कोई भी आपका अकाउंट
नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप कर सकते हो। और हाँ, एक रीज़न है आपका, यह है कि आप अगर जिस अकाउंट को डिलीट किए हो, अब आपको इस अकाउंट को आपको लगभग एक महीने तक या 15 दिन तक आपको इस अकाउंट को दोबारा से लॉगिन नहीं करना है। अगर आप दोबारा से अगर लॉगिन करते हो तो आपका क्या होगा, ये आपका जो अकाउंट आप जो डिलीट किए हो फिर से आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो अकाउंट आपका फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको दोबारा से इसको लॉगिन नहीं करना है अगर आपको हमेशा के लिए इसको डिलीट करना है तब, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।